नमस्कार दोस्तों, एक नई ब्लॉग में आपका स्वागत है। और ये देखिए, मैं हूँ अभी बिलासपुर जंक्शन में। रेलवे स्टेशन है बिलासपुर का, यहाँ से हम लोग उज्जैन के लिए जा रहे हैं। और हमारी ट्रेन नर्मदा एक्सप्रेस, इनफैक्ट वो प्लेटफॉर्म पे ही खड़ी होगी। और मैं आपको ये आसपास का व्यू दिखा रहा हूँ रेलवे स्टेशन का। तो ये है मेन गेट दोस्तों बिलासपुर रेलवे स्टेशन का। यहाँ से अंदर आपको जाना होता है, प्लेटफॉर्म नंबर 1 यहीं आसपास है। और टिकट काउंटर है यहाँ पर, रिजर्वेशन काउंटर, टिकट काउंटर और साथ में पूछताछ केंद्र आपको मिलेगा यहाँ पर। ये देखिए दोस्तों, एक नेशनल फ्लैग दिख रहा होगा आपको पीछे। आजकल हर रेलवे स्टेशन में एक नेशनल फ्लैग लगाया जाता है। और यहाँ पास एक रेस्टोरेंट भी है दोस्तों। मेरे पीछे जो ये बिल्डिंग देख रहे हैं आप रेलवे स्टेशन का, बिलासपुर रेलवे स्टेशन का, ये 1890 के आसपास का ही है। सबसे पुराना बिल्डिंग है ये, और छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन भी है। आजकल तो ये जोन भी है ये। बाकी सारा आसपास का क्षेत्र तो नए सिरे से बनाया गया है, आधुनिकीकरण झलकती है आपको यहाँ पर। बाकी ये जो टेक्सचर है, ये जो बिल्डिंग है, ये पुराना बिल्डिंग है दोस्तों। ये बिलासपुर रेलवे स्टेशन का दूसरा साइड है दोस्तों। इस तरफ से अगर आप जाते हैं तो आपको कटनी के लिए जितनी भी ट्रेनें चलती है, कटनी, झांसी, इटारसी की ओर जाने वाली जितनी भी ट्रेनें हैं, उसके लिए यहाँ पर आपको टिकट मिलता है और रिजर्वेशन होता है। साथ में पूछताछ केंद्र है। प्लेटफॉर्म नंबर 7 और 8 को पृथक से इस एरिया में बनाया गया है दोस्तों, कटनी साइड की जितनी भी ट्रेनें हैं कटनी रूट के लिए दोस्तों। यहाँ पर छोटे बच्चों के लिए प्ले स्टेशन बनाया गया है दोस्तों। यदि आपकी ट्रेन लेट है या फिर आप स्टेशन में 1-1.5 घंटे पहले आ गए हैं, तो आपके बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। यहाँ पर उन्हें इंजॉय कराइए। बहुत ही अच्छे से बनाया गया है इस प्ले स्टेशन को। यहाँ पर 7 और 8 प्लेटफॉर्म के आसपास ही है ये। तो ये बगल में हमारी ट्रेन खड़ी हुई है नर्मदा एक्सप्रेस, और इससे हम आगे जाने वाले हैं। S5 में हमारा रिजर्वेशन है, आगे है S5। चलते हैं दोस्तों और बैठ जाते हैं हमारी ट्रेन में। 11:45 यहाँ से डिपार्चर टाइम है बिलासपुर रेलवे स्टेशन से। और ये प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर खड़ी हुई है दोस्तों। 8 प्लेटफॉर्म है बिलासपुर रेलवे स्टेशन पे। 10-15 मिनट और वेट करना पड़ेगा दोस्तों, फिर डिपार्चर टाइम हो जाएगा। और ये देखिए एक ट्रेन आई हुई है, पता नहीं चल रही है कौन सा ट्रेन है, शायद यशवंतपुर एक्सप्रेस है ये। ये प्लेटफॉर्म नंबर 3 की ओर जा रही है और हम प्लेटफॉर्म नंबर 8 की ओर हैं। बिलासपुर में बता दो दोस्तों, 1 से लेकर प्लेटफॉर्म नंबर 6 तक उस एरिया में दिया हुआ है, और जबकि 7 नंबर और 8 नंबर जो प्लेटफॉर्म है वो कटनी साइड के लिए जाने के लिए अलग से इधर दिया हुआ है स्पेशल। जितनी ट्रेनें कटनी की ओर जाती है, झांसी कटनी, उसके लिए 7 और 8 नंबर से ट्रेनें चलती हैं। कुछ ट्रेनें वहां से भी निकलती है 3 नंबर 4 नंबर से, जो हावड़ा लाइन से आती हुई है। लेकिन ज़्यादातर जो ट्रेनें बिलासपुर से चलती है वो 7 नंबर और 8 नंबर प्लेटफॉर्म से ही निकलती है। ये नर्मदा एक्सप्रेस है, ये 8 नंबर प्लेटफॉर्म से यहाँ से निकलेगी इंदौर के लिए। तो ये है S5 बोगी, और इसी में हमारा रिजर्वेशन है। और देख लीजिए, ये एक यूनिक बोगी लग रहा है यहाँ पर इस ट्रेन का। सारी ट्रेनें जो है वो येलो कलर की है। आगे भी देख लीजिए, इस ट्रेन के आगे भी येलो कलर ही आपको दिखेगा, जबकि जिसमें हम जाने वाले हैं वो एकमात्र ऐसी बोगी है जो ब्लू कलर में है। पुरानी जो पहले बोगी आती थी वही बोगी है, बाकी सारे बोगियों जो पेंट कर दिया गया है येलो कलर में, बोगी को लगाया गया है। तो ये भी एक एक्सपीरियंस है। तो दोस्तों, हमारी ट्रेन बिलासपुर रेलवे स्टेशन से निकल चुकी है। वैसे ये बोगी खाली है, इधर तो देखिए हमारे आसपास के कंपार्टमेंट खाली है, यहाँ सीट खाली हुए हैं। फिर भी जैसा सीट हम चाह रहे थे वैसा मिल नहीं पाया हमें। हम साइड ओवर और साइड अपर चाह रहे थे, पर साइड अपर मिला है और इधर का एक अपर मिला है, तो थोड़ा कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हम लोग। देखेंगे आगे एक्सचेंज करते बने तो एक्सचेंज कर लेंगे। यहाँ बगल में आपको राजधानी एक्सप्रेस दिखेगी, नई दिल्ली बिलासपुर राजधानी एक्सप्रेस। और ये हमारा खाना देखिए दोस्तों,
हमने ये थाली ली हुई है, 150 रुपये का वेज थाली लिया है हमने। और देखिए ज़्यादा कुछ खास तो दिख नहीं रहा है, यहाँ पास चावल है, रोटी दिया हुआ है और दाल दिया है और 2 वेज सब्जी दिया हुआ है। टेस्ट करके बताता हूँ कैसा लग रहा है। ये आलू और छोले की सब्जी है। नॉर्मली छत्तीसगढ़ में जैसा तीखा रहता है वैसा ही है। ये फूल गोभी आलू है, काफी एवरेज है, कोई खास टेस्ट नहीं है इस खाने का। फाइनली आप घर से खाना खा के आए, अगर बिलासपुर के आसपास है तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी पड़ेगा और टेस्ट भी उतना खास नहीं है। हमारी ट्रेन अपनी निर्धारित समय में चल रही है दोस्तों, लेट लतीफ़ी बिल्कुल भी नहीं है। और ये बेल गहना रेलवे स्टेशन क्रॉस कर रही है, यहाँ पर इस ट्रेन का स्टॉपेज नहीं दिया हुआ है। वैसे जनरली जो रायगढ़ साइड से ट्रेनें आती हैं वो आजकल बहुत ज़्यादा लेट चल रही है, 2-3 घंटा लेट चल रही है दोस्तों। जबकि कटनी रूट में जो ट्रेनें चलती हैं वो ज़्यादातर लेट नहीं रहती हैं, मुश्किल से 15 मिनट या 20 मिनट ही लेट रहती है। और फिलहाल हमारी नर्मदा एक्सप्रेस तो बिल्कुल भी लेट नहीं है, बिल्कुल सही टाइमिंग में चल रही है। मौसम भी काफ़ी अच्छा है दोस्तों, ना तो ज़्यादा ठंड लग रहा है और ना ही ज़्यादा गर्मी लग रहा है। और इस वक्त हमारी ट्रेन पेंड्रा रोड रेलवे स्टेशन पहुंच गई है दोस्तों, यहां पर इसका स्टॉपेज दिया गया है, ज़्यादा टाइम तो रुकती नहीं है, 5 मिनट का हॉल्ट दिया गया है दोस्तों इस रेलवे स्टेशन में। चलिए ट्रेन रुकने वाली है, उतर के कुछ यहां से ख़रीद लेते हैं खाने पीने का सामान, फ़िलहाल हमारे पास कुछ नहीं है। तो फ्रेंड हमारी ट्रेन अभी पेंड्रा रोड रेलवे स्टेशन पर पहुँची हुई है और यहाँ ज़्यादा हॉल्ट नहीं है, 2 मिनट से 5 मिनट के बीच का ही हॉल्ट है, फिर यहाँ से ट्रेन निकल जाएगी। पेंड्रा रोड से दोस्तों आप अमरकंटक जा सकते हैं, अगर आपको अमरकंटक घूमना हो तो यहाँ से आपको बहुत पास पड़ेगा अमरकंटक। और इसमें 15 रुपये ऑफ है एयरटेल के रिचार्ज पर, इसे स्कैन करना पड़ता है, इसे स्कैन करना पड़ता है। इस वक्त ट्रेन अनूपपुर पहुंच रही है, ये देखिए छोटा सा स्टेशन है, अनूपपुर जंक्शन भी है दोस्तों। और यहाँ से आप अगर जसपुर जाना चाहते हैं तो यहाँ तक आपको आना पड़ेगा। अनूपपुर से चिरमिरी के लिए एक अलग लाइन गई हुई है दोस्तों, और एक जो मुख्य लाइन है वो कटनी झांसी दिल्ली के लिए जाती है। ये है एक छोटा सा रेलवे स्टेशन अमलाई, 2 मिनट का ही हॉल्ट है दोस्तों, चढ़ जाते हैं अपने ट्रेन में वापस, फिर नेक्स्ट स्टॉपेज पे मिलेंगे दोस्तों। नेक्स्ट स्टॉपेज कहाँ है देखते हैं। इसके बाद हमारी ट्रेन पहुँचने वाली है शहडोल रेलवे स्टेशन, जो कि एक बड़ी सिटी है।
हमारी ट्रेन शहडोल पहुंच चुकी है और लगभग 20 मिनट अब लेट हो चुका है ये ट्रेन। अभी बज रहा है 4:15। हम एमपी में हैं दोस्तों अब, और एक बड़ी शहर है, यहाँ प्लांट्स हैं बहुत सारे, एसीसीएल भी है। हमें भूख लग रही थी दोस्तों, तो हमने आलू चॉप ऑर्डर किया है यहाँ शहडोल में, और इसका टेस्ट ठीक ठाक है, अच्छा ही लग रहा है। और ये 20 रुपये के 2 आलू चॉप मिलेंगे यहाँ पर आपको। मध्य प्रदेश के खूबसूरत वादियों से निकलकर हमारी ट्रेन बीर सिंहपुर पहुँचने वाली है, और ये देखिए दोस्तों बीर सिंहपुर रेलवे स्टेशन है। यहाँ पर 10वीं शताब्दी के कलचुरीकालीन एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है जिसे माँ बिरसानी देवी के नाम से जाना जाता है। आप यहाँ उतर सकते हैं और मंदिर दर्शन के लिए जा सकते हैं दोस्तों। स्टेशन से काफ़ी नज़दीक है दोस्तों, मुश्किल से 1 किलोमीटर की दूरी है, आप पैदल आराम से जा सकते हैं मंदिर दर्शन के लिए। अब शाम का समय है दोस्तों, भगवान सूर्यदेव अस्त होने जा रहे हैं, और ये हमारा सफ़र जारी है। हमारा 21 घंटों का सफ़र है दोस्तों, बिलासपुर से उज्जैन तक का, और इस सफ़र में बहुत कुछ हमें देखने को मिला, बहुत कुछ आनंद उठाने को मिला इस सफ़र में। आगे बढ़ रही हमारी ट्रेनें, देखिए दोस्तों यहाँ पास कितनी सुंदर व्यू है, ये सूर्यदेव अस्त हो रहे हैं, और ये आसपास का क्षेत्र काफ़ी मनमोहक दृश्य है दोस्तों, बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। एक स्टेशन यहाँ पास आया है उमरिया, छोटा सा स्टेशन है ज़रूर है, पर यहाँ बहुत ज़्यादा चहल पहल है और बहुत सारे यात्री इस ट्रेन में चढ़ रहे हैं। यहाँ से बहुत ही ज़्यादा भीड़ देखने को मिलेगा दोस्तों इस स्टेशन में। और हमने यहाँ पर चाय ऑर्डर किया है, शाम का चाय, इवनिंग टी, फिलहाल अभी के रिफ्रेशमेंट के लिए काफ़ी बढ़िया ऑप्शन है ये चाय। और अब हमारी यह ट्रेन कटनी स्टेशन पहुंच गई है दोस्तों। वैसे नर्मदा एक्सप्रेस का स्टॉपेज कटनी साउथ में ही दिया गया है, इसके अतिरिक्त 2 और रेलवे स्टेशन हैं यहाँ पर कटनी के, एक मुख्य रेलवे स्टेशन भी है कटनी जंक्शन। तो हम अभी कटनी साउथ में है दोस्तों, और यहाँ 3 प्रकार के कटनी रेलवे स्टेशन है। एक जो है मुख्य रेलवे स्टेशन है कटनी का, जो कि जंक्शन है, और वहाँ से आपको 5 दिशाओं में ट्रेनें मिलती है। आपको हावड़ा जाने के लिए अलग ट्रेन मिलती है, अहमदाबाद के लिए ट्रेन मिलती है, दिल्ली जाने के लिए अलग ट्रेन मिलती है, और इसके साथ साथ बिलासपुर जाने के लिए एक लाइन और गई हुई है। तो एक बहुत ही बड़ी रेलवे स्टेशन है कटनी, लेकिन इसके 3 स्टेशन बनाए गए हैं, 2 छोटे स्टेशन भी हैं। अभी हम कटनी साउथ में हैं, और कटनी केबिन करके भी एक रेलवे स्टेशन था, वो निकल चुका है। यहाँ भी 5 मिनट यहाँ भी हॉल्ट दिया हुआ है, यहाँ व्यू भी अच्छा दिख रहा है आस पास का, स्टेशन मास्टर का केबिन भी है, और देखेंगे तो आगे यहाँ से प्रतीक्षालय वगैरह मिलेगा। ये आउटर गेट है, यहाँ से एग्जिट करने का रास्ता दिया हुआ है, और ये वेटिंग हॉल भी दिया हुआ है, उच्च श्रेणी प्रतीक्षालय दिया हुआ है दोस्तों, ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा आसपास देख भी लेते हैं, ट्रेन तो अभी रुकी हुई है, हो सकता है ज़्यादा टाइम तक रुके। ये वेटिंग हॉल है, ये भी बहुत ही अच्छा लग रहा है, आसपास का व्यू भी अच्छा लग रहा है।
फिलहाल हमारी ट्रेन जबलपुर रेलवे स्टेशन पहुंच गई है दोस्तों। ये मध्य प्रदेश राज्य का एक बहुत ही बड़ा जिला है, बहुत ही बड़ा शहर है दोस्तों, और इस लिहाज से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यह रेलवे स्टेशन भी काफ़ी खूबसूरत होगा। एक बड़ी रेलवे स्टेशन है दोस्तों जबलपुर। जबलपुर में ही वेस्ट सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर भी है दोस्तों, और जबलपुर एक जंक्शन भी है। यहाँ से साउथ के लिए बहुत सारी ट्रेनें चलती है। एक लाइन यहाँ साउथ के लिए दिया हुआ है, एक लाइन जो है जो बिलासपुर से आ रही है, और दूसरी लाइन है जो इटारसी होते हुए झांसी और भोपाल के लिए गई है दोस्तों। जबलपुर में नर्मदा एक्सप्रेस को 10 मिनट का स्टॉपेज दिया गया है दोस्तों, 10 मिनट का हॉल्ट है यहाँ। कुछ टाइम तक यहाँ ट्रेन रुकेगी, तब तक इस खूबसूरत स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर घूम लेते हैं दोस्तों। काफ़ी खूबसूरत नज़ारे हैं स्टेशन के। यात्री का कृपया नाम दें। गाड़ी संख्या 1165 से आने वाली गोरखपुर की ओर जाने वाली रत्नागिरी सुपरफास्ट एक्सप्रेस गाड़ी प्लेटफॉर्म क्रमांक 5 पर आ चुकी है। यहाँ पर फास्ट फूड के भी बहुत सारे स्टॉल देखने को मिल रहे हैं। ये देखिए छोटा छोटा कैंटीन बना हुआ है, और रात के 10 बज रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर हम भी कुछ ले लेते हैं कुछ खाने के लिए। ये पेंटिंग भी कमाल का लग रहा है दोस्तों। यहाँ पर एक रेलवे पोस्ट ऑफिस भी दिया हुआ है, ये बुक स्टॉल भी है यहाँ, और ये हमारी ट्रेन खड़ी हुई है, अभी थोड़ी देर में निकल जाएगी, अब निकलने ही वाली है दोस्तों। गुड मॉर्निंग गाइस, ब्लॉग में एक बार आपका फिर से स्वागत है। अच्छी खासी नींद पड़ी है रात को, और अभी मैं उठा हूँ, लगभग 8 बज रहे हैं। बीच में ट्रेन टूट जा रही थी, पर अभी 6-7 बजे के आसपास बहुत ही गहरी नींद में सोया हुआ था। देखिए माहौल आसपास का, और कुछ ही टाइम में हम पहुँच जाएंगे, लगभग आधा घंटे की दूरी और है, आधे घंटे में हम मुंजर में रहेंगे। ये उज्जैन सी कैबिन को देखकर आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि हम अब उज्जैन इंटर कर चुके हैं, और ये आउटर है उज्जैन रेलवे स्टेशन का। सुबह के 8:10 हो गए हैं दोस्तों, और हमारी ट्रेन अपने निर्धारित समय पर उज्जैन पहुंच चुकी है। दोस्तों फाइनली हम लोग उज्जैन पहुंच गए हैं, हमारी ट्रेन सही टाइम में पहुंच गई है। बाकी बीच में 1.5 घंटे लेट हो गई थी, पर उसे कवर कर ली है ट्रेन। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों।